दोस्तों कल्पना करो कि आप अंतरिक्ष में तैरते किसी स्पेस स्टेशन में हो और पृथ्वी के विनाश को अंतरिक्ष से देख रहे हों। आपको दिखाई देगा कि पृथ्वी का नीला समुद्र अब नीला नहीं बल्कि गुलाबी रंग का नजर आ रहा है और वायुमंडल की सबसे निचली परत पर आपको मछलियां उड़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों आपको थोड़ी हैरानी होगी किंतु उड़ती मछलियाँ एक वैज्ञानिक परिकल्पना पर आधारित शोध है, तो चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर रहने वाले अधिकांश लोगों का मानना है कि पृथ्वी भगवान ने बनाई, ये आकाश चांद सितारे सब भगवान की ही देन है। भगवान पर यकीन करने वालों का मानना है कि परमात्मा ने हमें वैसा ही बनाया था जैसा हम आज दिखाई देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि हम इंसान, यहाँ तक के कोई भी जीव, अतीत में वैसे नहीं थे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सभी जीवों के स्वरूप में लगातार बदलाव आते रहते हैं। जिस तरह से आज कोरोना वायरस में बार बार म्यूटेशन हो रहा है, वैसे ही हम सभी जीवों में भी म्यूटेशन होता है, क्योंकि हम सभी जीवों की कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न बैक्टीरिया और वायरसों के परस्पर संगम से ही हुआ है। जैसे जैसे हमारी कोशिकाओं को निर्मित करने वाले बैक्टीरिया और वायरसों में बदलाव आते हैं, वैसे वैसे हमारे गुणों, रंग रूप और स्वभाव में भी बदलाव आ जाते हैं। हालांकि हमारे अंदर आने वाले बदलाव इतने धीमे होते हैं कि ये बदलाव नजर आने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। अगर हम आज से करोड़ों साल पहले के डेवोनियन पीरियड की बात करें तो उस समय समुद्री किनारों पर रहने वाली कुछ मछलियां पानी की सतह पर मौजूद हवा के बुलबुलों को निगल लेती थी। इन बुलबुलों में ऑक्सीजन होती थी। लाखों सालों तक इस प्रक्रिया के चलने के कारण इन मछलियों के शरीर में हर पीढ़ी के साथ बदलाव आए, जिससे ये मछली इन बुलबुलों में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना सीख गई। अब ये मछली हवा में सांस लेने के काबिल हो चुकी थी, इसलिए इन मछलियों ने समुद्रों से निकलकर छिपकलियों के रूप में जमीन पर रहना शुरू कर दिया और पृथ्वी के धरातल पर जीवन की नई शुरुआत हो गई। दोस्तों जीवन और बदलाव का दौर कभी नहीं ठहरता, ये हर हालात में आगे बढ़ता रहता है। जो जीव जैसे वातावरण में रहेगा, हालातों के दबाव के कारण उस जीव में वैसे ही परिवर्तन आने लगेंगे। यदि परिवर्तन ना आए तो वो जीव मारा जाएगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज इंसानी गतिविधियों के कारण समुद्र बेहद तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं, जिस कारण से समुद्रों में पाए जाने वाली 35,000 से ज्यादा मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। आने वाले समय में या तो इन मछलियों की प्रजाति विलुप्त हो जाएंगी, या अगर इन मछलियों को विलुप्त होने से बचना है तो इन्हें हवा में सांस लेने और पक्षियों की भांति उड़ने के काबिल बनना ही पड़ेगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले भविष्य में मछलियों की अनेकों प्रजातियां तो विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जीवन किसी न किसी तरह से परिस्थितियों के अनुकूल ढल ही जाता है। इसलिए भविष्य में कुछ मछलियां अगर पानी की बजाय हवा में उड़ने लगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे भी मछलियों का शरीर वायुयान की भांति एरोडायनेमिक होता है। इनके पास पानी में तैरने के लिए पंख भी होते हैं, जिस वजह से यह हवा में उड़ने के हिसाब से काफी जल्द अनुकूल हो सकती हैं। दोस्तों वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर मछलियों को जीवित रहना है तो निश्चित तौर पर इन्हें अपने भीतर कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, क्योंकि समुद्रों के पानी के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इन बदलते हालातों के पीछे मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं। आज हम मनुष्यों के द्वारा छोड़े जाने वाले सीवेज का गंदा जहरीला पानी, समुद्री जहाजों और समुद्री ड्रिलिंग के दौरान फैलने वाला तेल और सबसे ज्यादा प्लास्टिक कूड़ा समुद्रों के पानी की गुणवत्ता को लगातार खराब कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने समुद्र के तट से करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक समुद्री पानी और समुद्र की मिट्टी के सैंपलों को जांचा तो पाया कि इस पानी में अरबों टन प्लास्टिक कूड़ा घुला हुआ है। समुद्र में जाने वाला प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। एक टुकड़े का व्यास करीब 5 मिलीमीटर या उससे भी कम होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ यह कूड़ा समुद्र में हर ओर फैला हुआ है। समुद्री जीव जंतु इस प्लास्टिक के कूड़े को खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। माना जाता है कि अगर हम इंसान ऐसे ही प्लास्टिक प्रदूषण समुद्रों में फैलाते रहे तो आने वाले 10 सालों में हालात ऐसे हो जाएंगे कि अगर हम 3 किलो मछली पकड़ते हैं तो उन मछलियों में से हमें 1 किलो प्लास्टिक भी प्राप्त हो जाएगा, और शायद 2050 तक तो समुद्रों में मछलियों से ज़्यादा
कूड़ा ही रह जाएगा। इंसानों द्वारा फैलाए गए कूड़े के अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग भी समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ लगातार पिघल रही है, जिस वजह से समुद्रों के पानी में मौजूद खारेपन में तेजी से कमी आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि समुद्री जीवों का विकास खारे पानी के साथ ही हुआ है। इन जीवों की हड्डियों समेत अनेकों अंग निर्मित होने में नमक का योगदान महत्वपूर्ण है। यानी अगर समुद्रों का खारा पानी मीठा हो गया तो समुद्री जीवन का विनाश भी निश्चित है। या तो मछलियां मरने लगेंगी या फिर विकास के सिद्धांत के अनुसार वे अपने शरीर को उस मीठे पानी में ढालने की कोशिश करेंगी, या फिर मछलियां समुद्रों को छोड़कर जमीन की ओर रुख करेंगी। जमीन पर आने के बाद इन मछलियों में और भी तेजी से परिवर्तन आएंगे। जहां कुछ मछलियों के पैर विकसित होंगे और वो चलने के काबिल बन जाएंगी, वहीं कुछ अपने पंखों को विकसित करके उड़ने के काबिल भी बन सकती हैं। आज भी समुद्रों में ऐसी मछलियां पाई जाती हैं जो हवा में काफी दूर तक अपने पंख पसार कर ग्लाइड करने में सक्षम हैं। इन मछलियों को फ्लाइंग फिश नाम दिया गया है। ये करीब 30 सेकंड से अधिक देर तक खुद को हवा में रखती हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करके 500 मीटर दूरी तक हवा में तैर सकती है। यानी जब समुद्र मछलियों के रहने के काबिल नहीं रहेंगे तो कम से कम ये मछली तो उड़ने की काबिलियत बेहद ही जल्दी हासिल कर लेगी। वैसे दोस्तों, अगर सभी मछलियां उड़ने लगी तो इंसानों समेत पृथ्वी के धरातल पर रहने वाले करोड़ों जीवों की जिंदगी में तो भूचाल आ जाएगा। फिर शायद हम इंसानों को स्टील से बने कपड़े पहनकर ही चलना होगा, क्योंकि क्या पता कब कहीं से कोई उड़ती हुई शार्क आए और हमें पकड़कर ले जाए। पानी का घनत्व हवा से 787 गुना अधिक होता है। यानी जो शार्क पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है, वो आसमान में तो करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगी। आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षियों को ये मछलियां खा जाएंगी। पक्षियों के गायब होने के कारण जमीन पर टिड्डी जैसे कीड़ों की संख्या बेहद तेजी से फैलेगी। ये कीड़े हमारी सारी फसल को बर्बाद कर देंगे। जब मछलियों के माइग्रेशन का समय आएगा, यानी सर्दियों में जब मछलियां किन्हीं गर्म स्थानों की ओर जाएंगी, तो हमें आकाश में एक अनोखा ही नजारा देखने को मिलेगा। और जब कभी बारिश होगी तो करोड़ों छोटी मछलियां, झींगे या ऑक्टोपस आदि जमीन पर गिरेंगे, जिससे मांसाहारी जानवरों को तो खाने की कोई कमी नहीं होगी। वहीं जब रात्रि आकाश में हमें चमकने वाली जेलीफिश दिखेगी तो वो नजारा निश्चित तौर पर किसी जादू से कम नहीं होगा। हम इंसान भी शायद ऐसे माहौल में रहने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम डॉल्फिन्स या ओर्का जैसी मछलियों की सवारी करते हुए आसमान की सैर भी करने लगे, क्योंकि इन मछलियों को तो हम आज भी पालतू बनाकर रखते ही हैं। वहीं दूसरी ओर, जब समुद्र से सभी मछलियां खत्म हो जाएगी तो समुद्र के अंदर जहरीले बैक्टीरिया और वायरस फैल जाएंगे, जिस वजह से समुद्र का पानी नीले की बजाय गुलाबी रंग का दिखाई देने लगेगा। समुद्र में पनपे ये जीवाणु सिर्फ समुद्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये बैक्टीरिया और वायरस जमीन पर भी फैलने लगेंगे, जिस वजह से इंसान तरह तरह की बीमारियों का शिकार होंगे। यानी फिर ये धरती हमारे रहने लायक नहीं बचेगी। जब मछलियां धरती पर रहने के अनुकूल ढल जाएंगी तो हम इंसानों को शायद किसी अन्य ग्रह पर रहने के अनुकूल ढलना होगा और ये धरती छोड़कर जानी ही होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।